ये हो रहा है कि हम लोग चाहते नहीं है कि बबल्स और अमर्त्य की शादी हो, और इसके लिए मम्मी और पापा अड़ गए हैं कि हम लोग उनके कमरे की पहरेदारी करें, वो लोग फिर भी हमें चकमा देके भाग जाते हैं। तो अब ये है हम लोगों को करना कि उनको कैसे रोकें शादी करने से। तो ये है सीन बेसिकली। बुआ जी भाग कैसे गए, जैसे कि आपने उनको रोका था कमरे में, तो कैसे हुआ? अरे प्यार तो अंधा होता है, लूला लंगड़ा बहरा होता है, और शक्ति बहुत होती है प्यार में, तो इसीलिए ना वो लोग हम लोग को ऐसे थका देते हैं, कुछ लेटर्स लिख लिख के हमको कैच की गेम खिला खिला के वो लोग हमें इतना थका देते हैं कि हम लोग चले जाते हैं, हम लोग चले जाते हैं। और रजनी आ जाती है जो कि इस घर में हर काम को पूरा करने वाली है, वो आ जाती है और वो दो दिलों को मिलाने में उसका सबसे बड़ा हाथ है। ये कैसे छिपकला हो सकता है ना, ये तो छिपकला हो गए, छिपकली तो हो नहीं सकती। क्या चीज यार, ये ऐसा है कि हम लोगों ने जब से साथ में काम करना शुरू किया है, हम लोगों ने एक दूसरे का इतने बार नामकरण किया है, इतने नाम हो गए हैं हमारे कि क्या इसको बंदर, बांगड़ू, ये सब बोलती रहती हूं, बांगड़ी, बंदरिया, छिपकली, ये सब चिंपैंजी बोलते रहते हैं हम लोग, क्योंकि चाहते तो है नहीं, तो जो मुंह में आए बस गाली नहीं दे सकते। शोगोता एंड दे, वे लोग बचपन के साथी हैं, तो बचपन में कैसे बच्चे झगड़ते हैं, यू नो, एक दूसरे को कुछ भी बोलते नाम निकालते हैं, वैसे बस बचपन से बड़े हुए हैं, और अब जब गलती से शादी हो गई है तो उसका फ्रस्ट्रेशन भी है, क्योंकि एक दूसरे से नफरत करते हैं ऑफकोर्स ये लोग, अंदर ही अंदर प्यार है थोड़ा, नहीं नहीं है, नहीं है प्यार अभी तक, नहीं है, दिखाएंगे ऐसे कैसे प्यार है, मेरे को कोई प्यार नहीं है, ये सिर्फ बस मुझे छुड़ा दो कोई। देखो यार, मैं तो प्यार करता हूँ शोगोता से, भले ही मैं उसको छिपकली बोलू, बंदरिया बोलू, इसके जैसी कोई नहीं है। क्या दिशा है वाला ट्विस्ट? यही है कि जिस चीज को हम रोक रहे हैं वो फाइनली हो जाएगा, हमारी प्यारी बबल्स बुआ अब अमर्त्य के घर चली जाएगी, विदा हो जाएगी। थैंक यू बोलना चाहेंगे कि आप इतना प्यार देते हैं और इतना लाइक करते हैं हम लोग को, हम पढ़ते रहते हैं ट्विटर पे, हम पढ़ते रहते हैं इंस्टाग्राम पे, और बाकी सब जहाँ पे भी मीडिया पोस्ट होता है, हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इस तरह से रिएक्ट करते हैं हमारे शोज के लिए, हमारे सीन्स के लिए, बहुत अच्छा लगता है, और इसी तरह से हमको प्यार करते रहिए। और आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं हम लोग कि जिस टाइम पे ये बहु हमारी रजनीकांत हमारा शो आता है उसी टाइम पे देखिए, 8 बजे देखिए, रिपीट का वेट मत कीजिए। आप रिपीट का वेट कैसे कर सकते हैं, हम लोग को मिलने के लिए आप एक्साइटेड नहीं होते? मेहनत करते हैं हम आपको हंसाने के लिए, और देव शोगोता के लिए तो थैंक यू वेरी मच हमारे तरफ से, क्योंकि मैं भी पढ़ता रहता हूँ काफ़ी ट्वीट्स एंड ऑल, और आप लोग हमेशा कहते हैं कि ये देव शोगोता का जो बैंटर है, ये जो फाइट्स हैं, ये आप लोग को बहुत हंसाती है और मुस्कुराहट देती है, इस वजह से शायद हमारा प्यार नहीं करवा रहे राइटर्स, आपकी गलती है। और ये मजा आने वाला है, हम लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे आपको मतलब हंसाने के लिए, करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन जी, आप भी मैंने सीन में देखा अमृतसर और सुरीली मैम में कुछ नोक झोंक या झगड़ा टाइप चालू था, किस बात लेकर हुआ ये? कि हम लोग उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि सॉरी बबल्स और अमर्त्य भाग गए हैं, और उस पर उन्होंने ये इमेजिनेशन कर ली है कि क्या होगा अब जब वो भाग गए हैं, अब जब भाग गए हैं तो शादी भी करेंगे, तो उनकी वो जो होता है फियर्स कमाल आई में जो होता है, एक दूसरे के ऊपर ही ब्लेम करते हैं ना कि तुम्हारी वजह से तो वो लोग लड़ रहे हैं इस वजह से, उनके फियर्स आर कमिंग अलाइव कि ओह नो अब तो उनकी शादी होगी और अब फिर क्या होगा उसके बाद, तो इसीलिए वो लोग एक दूसरे के साथ नोक झोंक कर रहे हैं इतनी ज्यादा।